कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। उसकी जीत पर देश भर में कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम साय ने इससे जनता की जीत बताया। इस पर स्वराज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट लगभग आ गए हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त के साथ है। इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार देश में कांग्रेस को बहुत जोरों से था। सभी में उत्साह है, छत्तीसगढ़ में भी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित कई यहां के नेता जो हैं वो कर्नाटक गए थे, प्रचार भी किया था। लगभग छत्तीसगढ़ मॉडल ने वहां की नतीजों पे बहुत प्रभाव डाला है। इस वक्त छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं। रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में है। सर्वप्रथम तो कर्नाटक की महान जनता को बहुत बहुत बधाई। और वहाँ जो नेता हमारे गए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, तमाम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, सब ने वहाँ पर चुनाव प्रचार किया, मेहनत किया। अभी चुनाव में दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाद मोदी का जो जादू था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। जो वहाँ पर मोदी जी, अमित शाह जी, बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए थे और अपना तो प्रचार किया, बजरंग बली को भी सामने ले आए। तो बजरंग बली तो ऐसा नहीं कि वो सबको, जो अच्छा काम करता है उसका साथ देते हैं और जो गलत काम करता है उसके ऊपर अपना गदा भी डालते हैं। तो बजरंग बली का नाम लेके वो लोग आगे बढ़े, लेकिन वहाँ भी सफलता उनको नहीं मिली। देखिए, जो अच्छा काम करता है भगवान उनके साथ रहता है, बजरंग बली उनके साथ रहते हैं। वहाँ की कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी बात को रखा, चाहे छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो, चाहे लोग किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, आम जनता की जो बात करेगा वो जनता उसके साथ रहती है। और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी वहाँ पे गए, छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारों के लिए जो काम हो रहा है, यहाँ के आदिवासियों के लिए काम हो रहा है, यहाँ वनोपज की खरीदी और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हो रही है, इन सब के छत्तीसगढ़ मॉडल को वहाँ पे उन्होंने बताया। और जनता ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया है। हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब आगे जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सौहार्द बिगाड़ने की जो काम करती है, लड़ाने, भाई भाई से लड़ाने का जो काम करते हैं, वो जो भारत देश पूरा शांति का देश है, यहाँ सब लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं, इसको जो बिगाड़ने का काम कर रहा है, जनता इस सबको देख रही है और अपना फैसला सुना दिया। तो बिल्कुल मैंडेट जो है वो लगभग क्लियर है कर्नाटक में चुनाव के। अब देखने वाली बात ये ही है कि घोषणा पत्र में बातें तो कह दी गई हैं, कैबिनेट की बैठक पहले कब होती है और कब वहां के लोगों के लिए जो किए हुए वादे हैं उस पर कांग्रेस की सरकार अमल करना शुरू करती है। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर।